हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सोनी और मार्वल की अपकमिंग मूवी केविन द हंटर के बारे में। तो ये मूवी सबसे पहले मार्वल स्टूडियो में एक कैमियो के तौर पे आ रही थी ब्लैक पैंथर मूवी में, अगर आपको नहीं पता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट में कैंसिल हो चुका था और देन सोनी ने अनाउंस करा कि हम इसको अपनी यूनिवर्स में शामिल करना चाहेंगे, यानी कि वेनम यूनिवर्स में। तो ये एक सुपर हीरो विलन मूवी बनने वाली है। और देन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसका स्टोरी बेस क्या रहेगा। यहाँ पर जानवरों पे अत्याचार हो रहा होगा और इंसान उनको काट काट के खा रहे होंगे, यह इस तरीके से दिखाया जाएगा। और देन यहाँ पे केविन द हंटर जो एक सुपर हीरो और एक सुपर विलेन भी है, वो लास्ट में एक हीरो बन जाएगा। और देन एक कैरेक्टर जो स्टोरी हो है वो स्पाइडरमैन मूवी में आ रहा है। और देन आपको मैं बता दूं कि ये मूवी भी स्पाइडरमैन से कनेक्टेड होगी, पर ये अभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है कि केविन द हंटर टॉम हॉलैंड यानी कि मार्वल स्टूडियो से कनेक्ट होगी या फिर यूनिवर्स सोनी के कनेक्ट होगी। अभी ये कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, फिर भी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है और देन सोनी कितना आगे जाके जुड़ेगा मार्वल स्टूडियो से। और देन वेनम का तो 100% लग रहा है मुझे कि इन फ्यूचर वो स्पाइडरमैन से जरूर जुड़ेगी, पर केविन द हंटर सीधा स्पाइडरमैन से कनेक्ट होगी, ना कि वेनम से। आपको ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे या तो उस पर कट नीच के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।